अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार गोट्स फार्म में आपका स्वागत है। आज हमारे एसटीडी टाइम, जो मेरी एसटीडी और पीसीओ की दुकान थी, तकरीबन 12 से 15 साल पुरानी बात है, तो उस टाइम की कुछ यादगार फ़ोटो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो के ज़रिए। आप देखेंगे हमारे कुछ बैंटम का सेट, फिर उसके अलावा और भी अलग अलग ब्रीड, मेंढे, बकरे, हर चीज़ ये हमारे, आप देखेंगे बैंटम किड्स जो हमारे इधर ही पैदा हुए थे माशाल्लाह। यानी अल्लाह का फजल करम है, हम जो टाइम से शौक़ करते हैं वो टाइम से ही यूनिक आइटम का शौक़ हमारा रहा है, और आपके सामने हैं हमारे सारे फ़ोटोज़ जो बहुत कम लोगों ने देखे हैं, कैसी चीज़ें और कैसी छोटी जगह पे हम शौक़ करते थे। और आज अल्लाह का फजल करम है, आज हमारे पास एक बड़ा फार्म है, अच्छा ट्रेडिंग का कारोबार है, लोग पसंद करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, दुआएं देते हैं, अल्लाह का फजल करम है ज़िंदगी में, और आगे और तरक्की करना है इंशाल्लाह, और कुछ बेहतर करने की उम्मीद है। तो इसी वजह से मैं कुछ हमारी पुरानी यादें जब बैठते हैं लैपटॉप लेके तो उसमें कुछ निकलता है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ें आप तक का लेके आऊँ। आप बैंटम देखेंगे हमारे कलेक्शन बैंटम के, अल्हम्दुलिल्लाह सारे बॉम्बे में मुझे बैंटम किंग कहते हैं। ये आप लोगों की वजह से है, मैं तो सिर्फ माल ला के बेचा हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इतने यूनिक आप बैंटम देखेंगे। मेरा कलेक्शन था, और भी कई फ़ोटो है लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाए या मिले नहीं, कई ऐसे फ़ोटोज़ जो मिस हो गए, मोबाइल फॉर्मेट हुआ या जो भी एक्स वाई जेड, लेकिन अभी आप भी देखेंगे ये बैंटम का कलेक्शन। यानी बैंटम देखने से ही बनता है कि ऐसी ऐसी क्वालिटी, ऐसे ऐसे बालों में, बफ में, और वो ये एक छोटी सी एसटीडी थी हमारी, उसी में हम शौक़ भी करते थे और प्लस धंधा भी करते थे, बकरे बेचते भी थे, और उसी जगह से आज हमारा नाम हुआ और लोग मुझे आसिफ एसटीडी के नाम से जानते हैं। काफ़ी लोगों के सवाल भी रहते हैं कि आपको एसटीडी क्यों कहते हैं, तो उसकी वजह यही है कि मैं एसटीडी और पीसीओ का कारोबार करता था, बहुत छोटे जगह से ऊपर आया हूँ, बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, और जो पुराने लोग हैं वो मुझे जानते हैं तो उन्हें सब मालूम है। अभी फिल वक्त तो मैं आपको हमारे एक एक बैंटम की फ़ोटो बता रहा हूँ, आप देखें। बैंटम में भी कलेक्शन बड़ी साइज़ के, छोटे साइज़ के, अलग अलग चीज़ें और भी कई चीज़ें। ये जिंग है, चाइनीज़ जिंग जिसे कहते हैं, ये भी सिंग की क्वालिटी आप देखेंगे इसकी जिंग के। ये हमारा सबसे पहला बॉम्बे में आने वाला जिंग था, मैंने परचेज किया था बॉम्बे में एक पार्टी से, आप उसकी क्वालिटी देखेंगे, मैं ये बहुत मुझे पसंद था। उसके साथ आप बैंटम भी देखेंगे, इसकी एक एक सिंग लगभग जब कॉर्नर से धारी से नापेंगे तो 29 से 30 इंच की एक सिंग थी माशाल्लाह। यानी इतनी बड़ी सिंग जिंग में आना अभी बहुत मुश्किल है। ये आखिरी दिन का इसका फ़ोटो है जब हम इसे केरला बेचे थे, उसके बाद तो केरला चला गया वो बकरा और वहीं पे रह गया। ये हमारा बैंटम था, इतनी बड़ी सिंग में बैंटम भी ना के बराबर ही आते हैं, मैंने बहुत कम देखा हूँ बैंटम में इतनी बड़ी सिंग और ऐसी क्वालिटी। ये भी हमारा पाला हुआ, ये हमारा सबसे पहला बैंटम था जिससे हमारा नाम हुआ और शौक हुआ, जो मैंने बहुत पहले, लगभग डेट तो याद नहीं है लेकिन काफ़ी पहले, मैंने 12-13 साल पहले उसे 50,000 रुपये में सेल किया था। ये भी बैंटम आप देखेंगे, आगे के बाल और क्वालिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी मैं, अल्लाह ने चाहा तो मैं बैंटम का अच्छा लॉट लाऊंगा, अल्लाह ने चाहा तो, और फिर इस बार आप सेल करेंगे देवनार में, हमारी जो पुरानी जगह है उसी जगह पे। तो इस बार भी अगर किसी को बैंटम की ज़रूरत रहेगी तो वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ये बरबरा है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ऐसे कई यादगार फ़ोटो देखते रहूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है देखते रहना माशाल्लाह, एक एक चीज़ें, एक एक जानवर। छोटी सी दुकान थी हमारी 150 स्क्वायर फीट की बस, लेकिन दिल बड़ा था, शौक़ बड़ा था, और शौक़ बढ़ता गया, जगह बढ़ती गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से फार्म है हमारा। आदमी को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
ये मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा हूँ, और अल्लाह से हर चीज़ की जायज़ चीज़ की उम्मीद करते रहना चाहिए। अल्लाह आपकी जायज़ चीज़ों की उम्मीद को हमेशा पूरी करता है, और मैं उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हर चीज़ अल्लाह ताला ने दिया मेरी इस छोटी सी ज़िंदगी में, नाम दिया, शोहरत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारे फ़ोटो हमारे एसटीडी के ही है, आप देखेंगे इतने बड़े बड़े बकरे हम यहाँ एसटीडी पे ही रखते थे। हमारी साइड से ऊपर जाने की एक जगह थी, वो भी 150 स्क्वायर फीट का एक छोटा गाला था फर्स्ट फ्लोर पे। जो लोग जानते होंगे उन्हें मालूम है हम वहाँ पे भी बकरे रखते थे। ये कश्मीरी बकरा आप देख सकते हैं, जब ये आया था जब ही का फ़ोटो है, और ये उसके बाद का उसका फ़ोटो जब 6-7 महीने बाद ये पूरी तरह से सेट हो गया था। वो टाइम हम बहुत कंसंट्रेट करते थे जानवरों पर। ये हमारे दोस्त अतिक भाई है भिवंडी में, ये उनका बकरा है, माशाल्लाह 143 था ये चार दांत पे, आप देख सकते हैं, यानी बहुत रेयर ऐसे देखने मिलते हैं बकरे। ये छोटे बच्चे जब आते थे हमारे फार्म पे, एसटीडी पे बिकने के लिए, तो ये उस टाइम की फ़ोटो है। हैदराबादी बच्चा माशाल्लाह, अबलग कलर में। ये तोतापुरी बच्चे, माशाल्लाह काफ़ी जानवर हमारे पास आए और बिक गए, चले गए, सिर्फ उनकी यादें रह गई है मेरे पास, जो मैं आप तक लेके आया हूँ। अक्सर मैं खुद देखता हूँ, याद करता हूँ कि ये बकरा किसको दिया, ये कहाँ गया, बस यादें रह गई है बकरों की। ये बकरा हमने कुर्बानी किया था, तोतापुरी बकरा था। ये भी हमारा पाला हुआ ही बकरा हमने कुर्बानी किया था, आप देख सकते हैं। ये बकरा भी मैंने कुर्बानी किया था पाल के। हमारे पीछे हमारी गाड़ी है, पुरानी स्कॉर्पियो। ये हमारा ऊपर का सेट था, आप देख सकते हैं ऊपर नीचे करके मैंने केज बनाए थे, बैंटम रखता था, फिर साइड में बड़े बकरे रखते थे, बकरे नहलाते भी इधर ही थे गाड़ी के आड़ में। छोटा सी फुटपाथ था, फुटपाथ के ऊपर सारा शौक हमारा स्टार्ट हुआ। आज फुटपाथ का शौक अल्लाह के फजल करम से बढ़ते 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 आज यहाँ तक है आ गया है। ये हमारी मोबाइल की दुकान थी, एसटीडी के बाद हमने मोबाइल में कन्वर्ट कर दिया। ये चार सिंह का मेंढा जब फर्स्ट टाइम बॉम्बे में आया था, किसी के पास उस टाइम नहीं था, सिर्फ हमारे पास ही आया था। यानी कई ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम मैं ही बॉम्बे में लाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद ना जाने फिर आहिस्ते 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 काफ़ी लोगों के पास आती गई। ये देख सकते हैं माशाल्लाह चार सिंह का, ये आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे ग्रोथ होती गई, जैसे जैसे तैयार होता गया, इसे भी मैंने सेल कर दिया था। एक्चुअली मेरा कारोबार ही है, मैं माल तैयार करके पहले बेचता था, अब डायरेक्ट ट्रेडिंग है, ला के हम सेल कर देते हैं। माशाल्लाह क्वालिटी थी चार सिंह में, यूनिक आइटम। जेकब शिप कहते हैं उसके ऊपर भी एक पूरी, गूगल पर आप जाएंगे तो आपको पूरा मालूम पड़ेगा। ये विलायती मेंढा, ये भी आप देखें माशाल्लाह। ये बोना पाड़ा है, आप देखेंगे बहुत यूनिक और क्यूट था बोना पाड़ा। ये भी मैंने सेल किया था। ये गहने हैं, देखिए आप जिंग और बैल की हाइट आप देख सकते हैं, जिंग की हाइट का गहना बैल था, ये बहुत ही शॉर्ट हाइट में था माशाल्लाह। ये भी मैं सेल कर दिया था। यानी हम हमारी दुकान पे गहने भी ला के बेचते थे, वो टाइम था जब ये लीगल था। अभी तो फिल वक्त ये हमारे बॉम्बे में बैंड है, ये उस टाइम का है जब हमारे कंपाउंड में आप देखेंगे हम लेके कुर्बानी के लिए पहले से लेके आ जाते थे 2-2.5 महीना पहले। काफ़ी लोग मुझे बोले भी कि आप कुछ आपके बैलों की फ़ोटो डालें। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत बड़ी साइज़ का था, कच्छ था, बुलेट भी बोलते हैं इसे, कच्छ बोलते हैं अलग अलग जगह पे, गुजरात का ये था। एक शॉर्ट और एक बड़ा, ये मेरा शौक़ था, मैं शौक़ के हिसाब से ही सब जानवर लाता था। यानी कोई भी चीज़ नहीं लेने का, अपने जो शौक़ में आपको पसंद है वो मुझे पसंद है। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे कितने छोटे थे माशाल्लाह। अमान को भी रेड टी शर्ट में आप देख सकते हैं, आज माशाल्लाह मेरे से बड़ा हो गया हाइट में। यानी ऐसी कई चीज़ें और कई वक्त गुजर गया है और वक्त सिर्फ याद रह गया है। कितना बड़ा बैल था माशाल्लाह, आप देख सकते हैं मैं खड़ा हूँ। ये देवनार मंडी में था,
ये किसी और का था, ये मैंने नहीं परचेस किया था, ये हमारा परचेस किया हुआ था। ये एक्चुअली हम जब लेने गए थे उस टाइम का फोटो है, फिर लेके हम हमारे कंपाउंड में मदनपुरी में लेके आए थे। ये अमान है मेरा, बैल के ऊपर बैठा है, माशाल्लाह तौसीफ खड़ा है साथ में। आप देख सकते हैं कितना छोटा और कभी से हमारा शौक है ये सब चीज़ों का। ये मैं हूँ, मेरी एसटीडी टाइम। ये देवनार का फोटो है, जब हम देवनार में मंडी लगाना स्टार्ट करते हैं, वही हमारी पुरानी शेड, पुरानी जगह। उस टाइम मैं थोड़ा सी मूछ रखता हूँ, आप देखेंगे। कुछ यादें थी जो आपको दिखाना था, आपको बताना था कि ऐसे ऐसे टाइम हमने निकाला है बकरे के टाइम धंधे में, और बहुत लंबा अरसा गुजर चुका है, तो एक लंबी जर्नी थी मेरी, मुझे आप तक का बतानी और पहुँचानी थी। तो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, व्हाट्सअप करें और यूट्यूब पे कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी फिर इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ।